बैठ जाए आत्मिक स्थिति में। अपने आप को देखे, बहुत प्यार से एक छोटा सा सितारा रुकुटी के बीच में। सारा मन बुद्धि एकाग्र करे इस बिंदी पर। देखे दृढ़ता से अपने आप को। इस अभ्यास को निरंतर करते करते हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाते हैं। देखे अपने आप को, मैं आत्मा हूं, याद दिलाए, मैं लाइट हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शरीर नहीं। से मन में दोहराए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ। अब अनुभूति करें अपने आप को लाइट के स्वरूप में। मैं प्रकाश हूँ। देखे अपनी किरणें फैलते हुए, प्रकाश का गुणधर्म है। अंधेरे को मिटाना, देखे अंधेरे, अज्ञान अंधेरा, मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, सब कुछ। इस प्रकाश से मिटता जा रहा है। अपने आप को प्रकाश स्वरूप में, लाइट स्वरूप में देखने का निरंतर अभ्यास करेंगे। दिन में बीच बीच में अपने आप को लाइट स्वरूप मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ। साकारी में निराकारी, अब 1 सेकेंड में परम धाम बाबा के पास अपने संपूर्ण निराकारी स्वरूप में। देखे बाबा भी लाइट, मैं भी लाइट। अब 1 सेकेंड में अपने साकार शरीर में मैं लाइट, बिंदु, कुटी के बीच में। अब बाबा ने मुझे कल एक अभ्यास दिया है, उसे मन में दोहराएंगे। मैं आत्मा, प्रतिज्ञा करती हूँ किसी की कमजोरी ना देखूंगी, ना ही सुनूंगी, ना ही वर्णन करूंगी। मन में दोहराएंगे, हे मेरे मन, हे मेरी सूक्ष्म और स्थूल आंखें, किसी की कमजोरी ना देखना।
हे मेरे मन, हे मेरे संकल्प, किसी की कमजोरी ना देख आदेश देता हूं इन आंखों को। बाबा का फरमान है, किसी की भी कमजोरी नहीं देखूंगी। देखते हुए उसे शुभ भावना में परिवर्तन करे। मैं रचता का बच्चा मास्टर रचता हूँ, मुझमें परिवर्तन शक्ति है। हे मेरे कान, किसी के कमजोरी ना सुन, सुनते हुए उसे उसी स्टेज पर परिवर्तन करे। शुभ भावना शुभ कामना से उस परिस्थिति को, उन आत्माओं को अभी के अभी बदल देंगे। जब देखना और सुनना परिवर्तित हो गया तो वर्णन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। देखिए अभी किसी की भी कमजोरी अभी वर्णन नहीं हो रही है। सारे वातावरण में शुभ भावना का स्टॉक फैलाने वाली मैं आत्मा इस वातावरण को और इस वातावरण की क्वालिटी को शुद्ध पवित्र बनाती जा रही हूँ। देखे वाइब्रेशंस कितने हाई हो गए हैं। कोई अभी मुझे कुछ भी दे, दुख भी दे, मैं आत्मा उसे परिवर्तित करती जा रही हूँ। इस संकल्प को मन में एक्टिवेट करेंगे। देखे कोई दुख भी दे रहा है, आत्मा पर रहम करे, वो वातावरण के वश है। मैं परमात्मा पालना प्यार से भरपूर उस आत्मा को शुभ भावना देती जा रही। मेरे मन की वातावरण की नेगेटिविटी संपूर्ण बदल गई, समाप्त हो गई। कुछ भी अकाउंट नहीं बना। उस परिस्थिति को, उन व्यक्तियों को शुभ भावना से भरपूर करे। शक्तियां भरे, परिवर्तन शक्ति शुभ भावना शुभ कामना से सारा वातावरण सुगंधित हो गया। सब कुछ लाइट हल्का होते जा रहा है। अब एक सेकंड में फरिश्ता का ड्रेस पहनेंगे।
और उड़ चले उड़ीसा के उस ट्रेन एक्सीडेंट के उधर, जहां पर सब आत्माएं तड़प रही है, पुकार रही है, दुखी है, जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, वहां पर शक्तियों का, शांति का और स्नेह का महादान देंगे। सभी उड़ेंगे, उन सब रिलेटिव्स को भी सकाश देते। आगे 3 मिनट के लिए डीप साइलेंस में सारे वातावरण को शक्तियों से भर दे, स्नेह से भर दे। आ जाए अपने साकार तन में, देखे अपनी फरिश्ताई ड्रेस इस साकार तन में मर्ज होते हुए। अब इसी स्थिति में बैठकर इन सभी आत्माओं को सकाश देते हुए आज की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो आज की मुरली की डेट है 15/4/74। विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। मुरली का टाइटल ही सब कुछ बता रहा है। आज 2 मुरली पढ़नी है तो अभी से स्टार्ट करते हैं। तो विघ्न विनाशक की स्थिति में अभी बैठकर उड़ीसा को सकाश दे रहे थे ना, तो सकाश देने के लिए हमारे अंदर भी स्टॉक चाहिए। तो अभी चेक करेंगे हमारे अंदर कितना स्टॉक भरा है, हम कितना अंगद समान माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं इस मुरली का। मुरली का डेट है 15/4/1974। विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। विघ्न विनाशक विश्व पालक
और माया पर विजय प्राप्त करा कर उमंग और उल्लास को बढ़ाने वाले शिव बाबा बोले। आज बाबा ने विश्व पालक बोला है ना, विघ्न विनाशक और विश्व पालक। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? अपने आप को क्वेश्चन करेंगे। क्या हम उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं? चढ़ती कला की निशानी क्या है, क्या वह जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही है? देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, क्या हम लगन में वगन हैं और विघ्न विनाशक माया पर कर रहे क्या, या विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? चेक करेंगे, आपके सामने कुछ विघ्न है और आपकी स्टेज हाई हो गई है और विघ्नों को देख के क्या अपनी स्टेज नीचे तो नहीं आ रही है? चेक करेंगे। जैसे जैसे बाबा पूछ रहे, क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? क्योंकि बाबा का ये पूरा अभ्यास ही संकल्पों के ऊपर है ना। अगर हम पॉजिटिव में जा रहे तो हमारे संकल्प स्लो हो जाते, नेगेटिव की तरफ जाते तो संकल्प फास्ट होते। तो ये तूफान हमारे बुद्धि में तूफान तो नहीं पैदा कर रहे? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है ना। बुद्धि की स्टेज देखो, तूफान आएगा तो देखो आत्मा की शक्ति कम होगी, और तोहफा मिलता है तो आत्मा की शक्ति, बुद्धि की हलचल कम नहीं होती, उल्लास होता है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। इस प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? देखेंगे अपने अपने आप को, तूफान आया है तो अपने अंदर उल्लास बढ़ रहा है क्या हलचल बढ़ रहा है? सभी चेक करेंगे और सभी उत्तर देंगे इसका। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी। बाबा ने पूरा इसका विधि बताया कि अगर आप तूफान को तूफान समझेंगे तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तो अगर अभी अभी सामने देखते तूफान आ रहा है, कौन सा भी तूफान है, तो उसको तोहफा की तरह देखे। अभी ही माइंड को एक्टिवेट करेंगे इस संकल्प से कि आने वाला तूफान तोहफा है। तो अपनी स्थिति देखो, उल्लास और हिम्मत से भरपूर हो रही है, अधिक बढ़ रही है। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो घबराएंगे नहीं ना, जो भी आएगा तूफान से हमें क्या मिलेगा, नए नए अनुभव, नए नए रत्न इस सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? चलो अभी क्या भी अनुभव करते, तूफान आ रहा है, हमारे मन की स्थिति, इस तूफान को देखते हुए तोहफा समझे, गिफ्ट देखे इसको, और आने वाला तूफान अभी गिफ्ट की तरह दिख रहा है, और इस तोहफा से जो भी अनुभव मिल रहे, नए नए रत्न मिल रहे, और हमारी चढ़ती कला होती जा रही है, हमें बहुत सारा सीखने को मिल रहा है,
और हम हाई जंप ले रहे, अनुभव करें जी कितने सारे रत्न मिल गए। यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा? यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। तो देखो, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो रत्न नहीं दिखेंगे, और एकदम अंतर्मुखी हो जाओ अभी तो सभी प्रकार के क्या मिलेंगे, ज्ञान रत्न और पॉइंट्स। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। बाबा ने यहाँ पे क्या बताए, नथिंग न्यू की स्टेज में रहना है। अगर हम आश्चर्य भी कर रहे तो हम फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वो होना ही चाहिए। अगर ऐसे संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होते हैं तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे, यानी हमारे संकल्प ही नहीं चलने चाहिए। बाबा ने क्या बोला, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और उसका दूसरा क्या है, पॉजिटिव, ये ऐसा तो होना ही चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, दोनों भी। अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ, हलचल, ये हलचल के क्वेश्चंस हैं। विघ्न आना आवश्यक है, बाबा ने क्या बोला, आवश्यक है, विघ्न तो आने ही चाहिए ना। और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना वह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू है ना, ये टेस्टिंग है ना। तो बाबा बोलते हैं अगर पेपर ही नहीं आएंगे, आपको एग्जाम ही नहीं मिलेगा तो आप आगे कैसे पढ़ेंगे। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। कुछ भी हो रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, नथिंग न्यू। चलो अभी कर, कुछ भी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तोहफा देखे, रत्न मिल रहे हैं, और जो भी हो रहा है हमारे चेहरे पर एक भी आश्चर्य का नामो निशान नहीं, और हम उस परिस्थिति को नथिंग न्यू देख रहे हैं। देखे इसको, अनुभव करे, नथिंग नहीं, तो अपनी फाइनल स्टेज अभी देखे। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पार्ट बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। क्या बोल रहे बाबा, ऊपर कुछ भी हो लेकिन अंदर मन की गहराई में आत्मा में क्या हो, नथिंग न्यू की स्थिति। यह स्थिति बनानी हमें, एकाग्र, एकरस, एकांत, क्या एकाग्र, एकरस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर, क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है। अपने आप को देखेंगे, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है। देखिए अपने आप को,
हलचल वाली स्थिति आई है, लेकिन हमारा मन पूरी तरह से शांत, एकाग्र, एकरस, त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हम स्थित है और पूरा शांति है मन में। ऊपर की हलचल, ऊपर की कर्मेंद्र की हलचल मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रही है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? कौन सा दोनों रूप? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है, आगे देखेंगे। आप तो पुरुषोत्तम हो, जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है, अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। अभी समझा क्या प्रकृति और पुरुष कैसे सेम है? वो भी अति में जा रही और हमें परीक्षाएं और विघ्न भी हमें अति में आएंगे, इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले नहीं था अब क्यों है, या आश्चर्य भी नहीं। बोलते ना बोलते बोलते कि हमारे टाइम ऐसे कुछ नहीं था, ये आपके टाइम ही आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछना। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेगा। तो फाइनल पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, देखो बाबा ने आज आउट किया है। आश्चर्यजनक बातें आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, उस पर ही हमारा पास फेल होगा। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, हमारे बुद्धि को अभी से तैयार करेंगे, उसको क्वेश्चन नहीं करना। यही तो पेपर है, और है भी सेकंड का ही पेपर। देखो है भी सेकंड का पेपर, और उसी सेकंड में सब क्वेश्चंस आएंगे। आश्चर्यजनक, क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यू में लगा देगा। अगर उस टाइम में हमने क्यों पूछा ना, गया वो सेकंड, फिर हम चंद्रवंशी की लाइन में जाएंगे। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। पापा रिजल्ट भी बता रहे आज ही, इसलिए एकरस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ। हमें अपनी स्थिति को एकरस बनाना है, कि वो परिस्थिति में नहीं अटकना है, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो ना, इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाता है। लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती, तो ये स्टेज नहीं आनी चाहिए कि
बाबा सिचुएशन आ रहा है फिर हम योग में बैठ रहे हैं। नहीं, स्थिति कैसी चाहिए? सदा और स्वतः स्मृति नहीं रहती तो ये रहनी चाहिए। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, इसमें अंतर पड़ जा रहा है ना। टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामने न सामना न कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। बाबा ने बताया है फाइनल स्टेज कौन सी नहीं। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे, कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटा लगे और फिर निकाले, ये फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह फाइनल स्टेज है। सभी इसको ध्यान में रखेंगे कि दूर से उसको योग अग्नि से भस्म कर दे, संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर दे, यही फाइनल स्टेज है। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबर वार यथाशक्ति पहुंचे है। कहां तक पहुंचे? बड़ी को छोटी करने में हम एक्सपर्ट हो गए, लेकिन उसे दूर से खत्म करना। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना, मजबूत घेरा डाला हुआ है। या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक तो नहीं जाते, या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे थे वैसे रहना, यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच जहां तक जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। तो ऐसी स्टेज आ रही, देखो ना आगे बढ़ रहे ना पीछे हट रहे, वहां के वहां ऐसे नहीं करने। किसी के किसी प्रकार के सहारे का तो इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। तो ऐसे स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही तो अंगद की स्टेज नहीं समझते हो? तो देखो उल्टा ज्ञान ले रहे हम ना। अंगद एक जगह पे खड़ा था, लेकिन हम आगे भी नहीं बढ़ रहे पीछे भी नहीं बढ़ रही, इसको हम अंगद की स्टेज बता रहे। अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, तो फिर बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हो ना। यहां भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। बहुत जनों का यही प्रॉब्लम है, शुरुआत में बहुत उमंग उत्साह रहता है और बीच में थोड़ा नीचे ऊपर होता है, कभी कभी तो उसी जगह पे खड़े रहते। तो आज बाबा ने उनके लिए बोला है कि योग बढ़ाओ, आपका रास्ता जो भी है ना क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ।
यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं की को अच्छी लगती है? इसलिए न पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, न माया से हार खाने के लिए अंगद बनो। किसमें अंगद नहीं बनना है? पुरुषार्थ की गति में, और माया के माया से हार खाने के लिए भी अंगद नहीं बनना है हमें, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनना है ना। ये सही है। अच्छा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त है ना, साक्षात्कार हमारा होगा, साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं और योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हमारा भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। और एक छोटा मुरली है, क्या रीड कर सकते 5 मिनट्स में? ठीक है जी, चलेगा। मुरली का डेट है 22/1974। ये मधुबन से रिलेटेड है। अव्यक्त बाप दादा के कमरे में मधुबन निवासियों से मधुर मुलाकात करते हुए पांडव पति शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी है और बाप के साथ सदा स्नेही है, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। तो देखो, बाप की महिमा एंड जो सहयोगी बनते हैं ना, तो उनकी भी महिमा सेम बोला है बाबा ने। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प, बाबा ने क्या बोला है, हर संकल्प और हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो। तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहज योगी हो? विशेष वरदानी भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। वृत्ति और श्रुति, यह दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। तो वहां का वातावरण ही ऐसे कि हम इजीली हमारी वृत्ति और स्मृति आगे बढ़ जाती है। स्मृति बनती है संघ से और वृत्ति बनती है वातावरण और वायुमंडल। तो ये ध्यान रखना है, जैसा संग करेंगे वैसे स्मृति होगी और वृत्ति बनेगी वातावरण और वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं, तो संग का प्रभाव स्मृति में इतना पड़ता है कि उनको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है कि वो पैसे कमा रहे हैं ना। तो आप लोगों को अमृत वेला से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है, शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल। देखो अभी इसको, श्रेष्ठ संग है, शुद्ध वातावरण है, शांत वायुमंडल। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि हम उस वातावरण में रह रहे हैं ना। तो स्मृति और वृत्ति कैसी हो जाएगी? सहज श्रेष्ठ हो सकती है।
ड्रामा में जब यह गोल्डन चांस प्राप्त है तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो? उठाना चाहिए ना। बाहर में रहने वाले कीचड़ में कमल है, आप लोग तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी रूहे और गुलाब बनने का चांस है। गुलाब का फूल पूजा के काम आता है, अर्थात वह देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है, लेकिन वह अर्पित नहीं किया जाता। तो जब आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब हो, जैसे गुलाब वायुमंडल में खुशबू फैलाता है, ऐसे ही आप सभी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले हो। क्या जैसा नाम वैसा ही काम है, जैसा स्थान वैसी स्थिति है, जैसे वातावरण वैसी वृत्ति है, और जैसा संग वैसी स्मृति है। इसमें अलबेलापन तो क्या होता है, देखो हमारा भी अभी संग है ना सभी का, तो एकदम वायुमंडल कितना हाई लेवल का हो गया है, तो वैसी स्मृति भी हमारी बढ़ती जा रही है, स्थिति बढ़ती जा रही है। कारण कि जैसे बाप की पहचान नहीं तो प्राप्ति भी नहीं, इसी प्रकार अपने मिले हुए श्रेष्ठ भाग्य की भी पहचान नहीं तो अलबेलापन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। तो चेक करेंगे हमारे अंदर अलबेलापन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे में ज्ञान की और पहचान की कमी है। बाबा को हमने अभी तक उतना पहचाना नहीं, इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? समझना इसको पूरी तरह से। पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है, किला मजबूत बनाना यह पांडवों का ही कर्तव्य है। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। किले की दीवार क्या है, स्वयं ही तो दीवार है। दीवार के बीच से यदि एक ईंट या पत्थर भी हिल जाए और दीवार में जरा भी क्रैक यानी दरार आ जाए, संपूर्ण दीवार ही कमजोर हो जाती है। क्या माया के तूफान और माया के अर्थक्वेक यानी धरती का फाउंडेशन को हिला तो नहीं लेते, या क्रैक तो नहीं पड़ता है? किला मजबूत है ना, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ क्रैक है। किला अर्थात संगठन जब विश्व पर प्रभाव डाल सकते हो तो क्या समीप वालों को प्रभावित नहीं कर सकते? इतना सहयोगी बनो जो आपको देखते ही औरों का योग लग जावे। एक घड़ी का रोब सारे दिन को रूहानियत को तो गवा देता है, इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। तो एक सेकंड भी अगर हमने रोप किया ना, पूरा दिन का हमारा जो रूहानियत है, आत्मिक स्थिति है, पूरी चली जाती है। तो रोप यानी क्रोध का ही अंश है ना, तो इसको नहीं यूज करना है, आज से संकल्प करेंगे। पुरुषों का यह रोब क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? है तो अब आत्मा ही ना। स्नेह का भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, फिर तो भाई भाई की दृष्टि में भी रोब नहीं रहेगा। यह तो कलयुगी जन्म सिद्ध अधिकार है, न कि ईश्वरीय। न बहन देखो न भाई देखो, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, इसलिए सदा ही आत्मा देखो। यानी शरीर ने बहन भी नहीं देखना है, भाई भी नहीं देखना है, इसमें भी एक्सीडेंट बाबा बोल रहे, इसलिए सदा ही आत्मा देखो, तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस यानी अभ्यास कराई जाती है। मैं पुरुष हूं, इस स्मृति से पांडव गल गए,
शरीर से गलने का अर्थ क्या है? शरीर की स्मृति से गलना। पांडवों का गायन है कि सब गल गए, जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो यह भी गल गए अर्थात परिवर्तित हुए, इसलिए रोग भी समाप्त। तो एक मिनट साइलेंस में जाएंगे और रोग को समाप्त करेंगे। ओम शांति। ठीक है, अभी सभी शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। क्या कहा बाबू? जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तूफान को तोहफा बनाना है, और कभी भी कोई परिस्थिति या तूफान आए तो उसे तोहफा समझ कर उस समझो और उसमें उल्लास पैदा करो। कभी घबराना नहीं चाहिए। बाबा बोला है कि सागर के गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर हमें ज्ञान रतन प्राप्त होगी, और ज्ञान रतन हमें प्राप्त होगी और फिर हम हलचल में नहीं आएंगे, और नथिंग न्यू की स्थिति हमें बनाना है। अंतर्मुखी होकर, एकाग्र होकर के एक रस स्थिति, एकांत की स्थिति बनानी है। ओम शांति। और भी शेयर करना सभी, लेकिन टाइम कम है तो तुरंत माइक ऑन करके बोल। कविता दीदी जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा कि जिस तरह से पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, तो उस तरह से हमारे पुरुषार्थ में अगर हम कहीं पर रुक जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि योग अग्नि से उस कमी को, योग अग्नि की कमी है बाबा ने कहा, तो योग अग्नि को तेज करने से रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। और बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छी युक्ति बताई कि जो भी मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स हैं वो बुद्धि में दौड़ाते रहो तो जो भी रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने परीक्षाएं और विघ्न भी अब समय अनुसार अति के रूप में आएंगे, तो ऐसी किसी भी समस्या के सामने आश्चर्य नहीं खाना, ड्रामा के ज्ञान को भली रीति बुद्धि में रखना है कि कोई क्वेश्चन नहीं उत्पन्न हो, और उस समय समस्या की सीट को नहीं संभालने में लग जाना, अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होना है। बाकी भी सभी शेयर कर। ओम शांति।
जी बोलिए। बाबा ने कहा तो आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब हो, जैसे गुलाब वायुमंडल में खुशबू फैलाता है, तो ऐसे ही आप सब भी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाएं। क्या जैसा नाम वैसा ही काम है। ओम शांति। क्या डिफरेंस बताया कमल और गुलाब के बीच में? ओम शांति। भगवान को चढ़ाते नहीं, लेकिन गुलाब पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं। ओम शांति। सिर्फ उसकी विशेषता वर्णन करते हैं ना कमल की, लेकिन उसको चढ़ाते नहीं है, और ये गुलाब को चढ़ाते हैं। और क्या बताया? अगर आश्चर्य कर रहे किसी सिचुएशन के ऊपर, तो ये स्टेज फाइनल स्टेज है या नहीं, कौन बताएंगे फाइनल स्टेज क्या है? ओम शांति दीदी जी। फाइनल स्टेज ये है कि ड्रामा पे निश्चय और नथिंग न्यू। एक एक मीन्स ऐसे संकल्प भी नहीं आना चाहिए, आश्चर्य तो नहीं आना चाहिए जी। तो अगर हमारा आश्चर्य नहीं और अच्छा हुआ ये भी नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी स्थिति हलचल वाले नहीं, ना अच्छा ना बुरा, इक्विनोमस एकदम न्यूट्रल स्टेज, एकदम न्यूट्रल स्टेज, नथिंग न्यू, ड्रामा पे निश्चय। ओके, किसका माइक म्यूट आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट करेंगे। ओके, जादव बी जादव कौन है बोलेंगे? तो हमें ना तूफान को तोहफा के जैसे देखना है, अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो होएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम ऐसे ही साधारण में चले जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी हो जाए हमें हलचल में नहीं आना है, क्योंकि हमारे साथ कौन है ये स्मृति में रखना है ना। और अगर हम एक सेकेंड भी गवाया क्या में, तो हम किसकी लाइन में जाएंगे, कौन बताएंगे? चंद्रवंशो की लाइन में जाएंगे। अगर हमने एक सेकंड भी लगा दिया क्यों, क्या मुख से निकल गया, उस में चले जाएंगे। तो देखो हमारे कितने जन्म कम होंगे, कितने जन्म कम होंगे, हम स्टार्टिंग से नहीं आएंगे, तो कितना। बाबा ने आज फाइनल सब रिजल्ट्स भी बता दिया कि डायरेक्ट आप 8 जन्म नीचे आएंगे, पूरा सत्युग का पूरा, हम सत्युग में आएंगे ही नहीं श्री कृष्ण के साथ। तो किसको किसको आना है श्री कृष्ण के साथ ना, तो प्लीज ये प्रैक्टिस करें आज से या अभी से, कि हमें क्यों क्या कुछ भी नहीं पूछना है, कुछ भी हलचल नहीं, एक मन में एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं। बाबा हमेशा बोलते हैं ना, ड्रामा जो है जैसा है कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो अगर ये पॉइंट अगर हम फिक्स रखें या बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखे, तो ये आएगा नहीं। और क्या करना पड़ेगा, कोई बताएंगे? कि हम हलचल में नहीं आए हुए। जैसे सिस्टर बाबा ने कहा कि ऊपर से कर्म इंद्रियों की हलचल हो सकती है, जैसे आप कोई भी परिस्थिति है तो आप उसको टैकल करने के लिए करते हो, परंतु अंदर से स्थिति बिल्कुल शांत हो, और वो जितना जितना हमारा निश्चय पक्का होगा उतनी, और जितना अपनी स्थिति का अभ्यास होगा तो उतना हम किसी भी सीन को या साक्षी दृष्टा का अभ्यास होगा, अपनी सीट पर सेट होके देख पाएंगे शांत रहकर। तो इसको प्रैक्टिस में लाना है हमें, है ना। कुछ भी हो जाए, ऊपर अगर हलचल हो रही है शरीर की भी, लेकिन हमारा मन स्थिरता के लेवल में है क्या, वो शांति की अनुभूति में है क्या,
इसको हम चेक करेंगे। ओके, और किसी ने लिखा है कि मेंटल टॉर्चर बढ़ जाएगा, आप बताएंगे खुलकर कि क्या है ये, इसका मीनिंग? अगर प्रॉब्लम, ओम शांति, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने करना हो, कर सकते हो, तो उस वक्त क्यों नहीं बोलेंगे? अगर उस वक्त क्यों, क्या करके हमारी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है, थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करके अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों हम अपने ऊपर दुख लें? और कई बार ऐसा होता कि एकदम हम, हमें को ऑर्डर देता है वो गलत होता है, और हम हाँ जी करके हम उसको मानते जाते हैं, वो गलत हो जाता है, और कई जगह देखने में आता ही, आश्रमों में आता ही। अगर हम थोड़ा सा साइड में ले जाकर उसको क्वेश्चन करें, तो उसमें क्या अर्थ है? अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, उसको मना लें, मान लिया जाए, इसलिए तो बाबा ने दिया छोटा में कि ऊपर की लेवल में देखेंगे तो आप हलचल में आएंगे, अगर गहराई में जाएंगे अंतर्मुखता से तो बहुत सारे उसमें रत्न मिलेगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो अंतर्मुखता में जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और वो तूफान तूफान नहीं लगेगा, उल्टा आप उस परिस्थिति को, उन व्यक्तियों को थैंक्स करेंगे कि हम कितने आगे बढ़ गए, बहुत हाई जंप रहता है ये तूफानों में। लेकिन आत्मा हलचल में नहीं आनी चाहिए, आत्मा में कुछ भी डर नहीं होना चाहिए, उसको तोहफा के जैसे एक्सेप्ट करें। ओके, और 2 मिनट है, कोई शेयर करेंगे? आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा ही तो शक्तियां कर्म करवाती है, जो भी कर्मेंद्रियां कर्म करती है वो आत्मा के द्वारा ही करती है ना। तो जो बाबा ने बोला कि कर्मेंद्रिया भले ही चलाए मानो, लेकिन गहरा अंतर्मुखता में हम स्टेबल रहे, वो मैं नहीं समझ पाई उसको, मतलब बाबा ने किस तरह बोला और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में। देखो, अगर आत्मा में शक्ति है ना, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकती है। अगर आप बीमार है तो आप एक सादा कुर्सी भी नहीं उठा सकते, आप बोलेंगे मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है, पूरा दुख रहा है, मेरे को ही हॉस्पिटल में लेके चलो, मेरे को क्यों ये कुर्सी उठाने का काम दे रहे हो। अगर आपका शरीर शक्तिशाली है तो कुर्सी क्या पूरा कॉट या पलंग या कपाट भी हिला सकते हैं। तो ऐसे है ना, आत्मा में अगर शक्ति भरती है तो सिचुएशन वही है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए जो शक्ति आत्मा में अगर हम अभी से भरते हैं ना, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगता। समझो, परिस्थिति से, व्यक्ति से, कुछ पेपर्स आ रहे, तो आत्मा में शक्ति कम है तो आप डर जाएंगे, उसके वशीभूत हो जाएंगे, और आत्मा ऑलरेडी शक्तिशाली है, बाबा से ज्ञान लेकर योग में शक्तिशाली बन गए हैं, तो परिस्थिति आकर भी चली गई और आपको कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अंदर भी नहीं हलचल हो रही है और उसका कुछ लगा भी नहीं है, कुछ इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। तो ये है आत्मा की शक्तिशाली स्टेज। दीदी समझ गई, मतलब आत्मा अगर किसी भी परिस्थिति से डिटैच रहेगी तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जरा भी परिस्थिति या व्यक्ति से अटैचमेंट हुआ तो आत्मा कर्मिंदे के वशीभूत हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं, आत्मा पावरफुल रहे और डिटैच रहे, यही मतलब हुआ ना इसका दीदी? हाँ हाँ, इसलिए तो बाबा ने युक्ति बताई है कल, किसी का कमजोरी ना देखो, ना सुनो, ना वर्णन करो, ज्यादा से हमारी एनर्जी इसी में जाती है। बाबा को पता है सीक्रेट, आत्मा कहाँ पर खाली हो रही है व्यर्थ में, ऑलरेडी डिस्चार्ज बैठी है और डिस्चार्ज कर रहे हैं हम उसको, चार्ज करने के बजाय चार्जिंग करेंगे, और ये डिस्चार्ज वाले सिचुएशंस में भी अपने आप को फुली चार्ज रखेंगे तो ये सिचुएशंस कुछ नहीं लगेगा। जैसे नथिंग न्यू। ओके, और कुछ पूछना है? टाइम भी हो गया है, तो होमवर्क में हम यही लेंगे कि कोई भी सिचुएशन आए तो हमारी स्थिति नथिंग न्यू।
ओके, ये वीक में हमको आज ये मुरली आई है तो जल्दी हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे ही। बाबा हमें पहले से ही तैयार कर दे तो आने वाली सिचुएशंस को तोहफा देके तूफान ने और हमारी हलचल को उमंग उत्साह में कन्वर्ट करे और मिलने वाले रत्न को अनुभव करे और अपने आप की चेकिंग करे कि हम क्यों क्या में जा रहे। अगर क्यों क्या में जा रहे तो अपने आप को चंद्रवंशी की लाइन में देखें, अगर क्यों क्या में नहीं जा रहे तो अपने आप को सूर्यवंशी की लाइन में देखें। अभी सेट करें। चलते हैं योग की तरफ। आत्मा लास्ट पेपर के लिए पूरी तरह तैयार हो, हर परिस्थिति में एकाग्र एकरस एकांत की स्थिति में मेरा मन बुद्धि पूरी तरह से अंगत के जैसे अचल अडोल हो चुका है। आने वाली परिस्थितियां आश्चर्यजनक भी होगी तो भी मैं आत्मा इतनी पावरफुल बन चुकी हूं कि मेरे में ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव संकल्प चल रहे। नथिंग न्यू। फाइनल स्टेज में मैं आत्मा हर एक पेपर को सहज पास करती जा रही हूँ और अपने आप को सूर्यवंशी की लाइन में देख रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शाम के सत्र में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। ओम शांति।